चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक कक्षा छठी की है। पहला चैप्टर है हज़ार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यहीं से। ये जो मानचित्र आप लोग देख रहे हैं, ये सन 1154 में बनाया गया था। यह अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये देखिए, ये सबसे पुराना मानचित्र है जो अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। मानचित्र दो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। ये देखिए, ये है, ये मानचित्र टू जो एक मानचित्र टू एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र टू। पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाके बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल क्या करते थे। ये वाला देख लीजिए, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय इलाके और भीतरी इलाके के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब देख लीजिए, नई और पुरानी शब्दावली अब क्या क्या है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे।
सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापित भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में पौराणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपि या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र गृह कार्यों की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर
अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आखिर लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियाँ की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इसमें सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपि पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्री ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अब देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नियास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। ये देखिए, यह है रहट, पुराने ज़माने में इसी का यूज होता था। आठवीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर युद्ध योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया।
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब देखिए पर्यावास का अर्थ क्या होता है यह दिया हुआ। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं पुजारियों मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिए जाने लगा। ये दर्जे अस्थाई नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। कुछ नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आप देखते थे क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इसके शासनकाल था 1266 से 1287 ईस्वी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत अर्थात द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र केरल कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे ये देखिए आधुनिक भारत का नक्शा। सबका नाम दिया गया है रोमन अक्षरों में। पलायन कर जाते थे इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा और क्षेत्र।
सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुर्जरी गुजरात, मवारी तमिलनाडु में, गोड़ा बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ये भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती थी ये लिखा हुआ है यहाँ, और हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, ये एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, ये अपने से करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। अठारहवीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें उस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक गठन में संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी यही युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं का पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, इनके संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक के बारे में देखिए, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे उसे संरक्षक कहते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया।
इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वो युग था जिसे इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि इस समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचारों पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएँ तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और मनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के यह हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिर 16वीं, 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कई परिवर्तन हुए ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्हों तथा यह सक्रिय ऐतिहासिक
प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहां भी संभव हो यह देखें कि कहां बदलाव हुए और कहां नहीं। आज आपने आसपास की दुनिया पर नज़र डाल कर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। चलिए आज का चैप्टर समाप्त हो गया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक नंबर, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था उस समय जो आपको बोले विदेशी का अर्थ, वही सब पढ़ना है।